हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे? एनिलीन पे थे। एरोमेटिक अमीन हमने देख लिया था, और जिसमें हमने सिंथेसिस देख ली थी एनिलीन की, ठीक है, उसकी रिएक्शन देख ली थी, उसमें हमने हेलोजिनेशन देख लिया था, ठीक, और उसमें नाइट्रेशन भी उसमें देख लिया था, ठीक। अब देखते हैं सल्फोनेशन इन एनिलीन, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा बेटा, जो इसमें क्लास में ना बैठते हो, अटेंड करते हो, तो ये कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, हेडिंग डालिए सल्फोनेशन इन एनिलीन, ठीक है, सल्फोनेशन इन एनिलीन। अब सल्फोनेशन करने के लिए, एनिलीन में सल्फोनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। और सिंपल है कि H2SO4 की रिएक्शन करवा दो, H2SO4 की रिएक्शन करवा दो किससे? एनिलीन से। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरा पोजीशन पे सल्फर ग्रुप आके जुड़ जाता है एनिलीन और SO3H, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, SO2OH भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा बनता है। लेकिन इसका नाम क्या है? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब बेटा ऐसा है कि हम पूरा लेक्चर थ्रू आउट या फ्लुएंटली इंग्लिश में ले सकते हैं, ठीक ठीक लेकिन होता क्या है, बच्चों को समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक। तो बच्चों को समझ में आए इसलिए हम इसको, जैसे कि अगर हम ऐसा ही बोल दें कि एनिलीन की रिएक्शन हुई किससे? H2SO4 से, तो ये भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। समझना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है बच्चों के, ठीक। तो यहाँ पे लिखना एनिलीन की रिएक्शन करवाई किससे? H2SO4 से। तो सिंपल है, क्या बना आपका? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं किस पे? एरोमेटिक एसिड्स पे, ठीक। एरोमेटिक एसिड, हेडिंग डालिए, नया टॉपिक है एरोमेटिक एसिड्स, एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड, अब एरोमेटिक एसिड से सबसे पहला नाम क्या याद आता है आपको? बेंजोइक एसिड। क्या आता है? बेंजोइक एसिड। हम पूरा इसका पूरा लेक्चर इसी भी आज आधारित है, बेंजोइक एसिड पे। हम इसमें आज देखेंगे बेंजोइक एसिड की रिएक्शन देखेंगे, इसमें बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस देखेंगे, इसमें बेंजोइक एसिड क्या करता है, उसके रिएक्शन क्या क्या है, उस पर अपन पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए आज बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजोइक एसिड पहले तो आप बना लो, बेंजोइक एसिड, बेंजीन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगा लेते हैं तो क्या बन जाता है? बेंजोइक एसिड। अब इसका डेरिवेटिव क्या है भाई? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में, बेंजीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में और भी कुछ कंपाउंड जुड़े हुए। जैसे अगर मैं बेंजोइक एसिड में COH के साथ में OH लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर मैं यहां पर बेंजोइक एसिड के साथ में NH2 लगा दूं, तो ये क्या है? एंथ्रानिलिक एसिड। यह भी तो डेरिवेटिव है किसका? बेंजोइक एसिड का, एंथ्रानिलिक एसिड, है ना। अगर मैं इसमें NO2 लगा दूं बेंजोइक एसिड में, OH और NO2, तो क्या बन जाएगा आपका? पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड,
ठीक है। और अगर हम इसके साथ में आर्थो पोजीशन पे लगा दे तो आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो ये सारे क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक ही यही है, बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, या रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, या सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड, इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ब्रोमो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। अब सिंपल है, इसकी सिंथेसिस पे ध्यान देते हैं सबसे पहले कि बेंजोइक एसिड कैसे हम बना पाते हैं, फिर उसके टेस्ट देखेंगे कि क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं, फिर उसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, सब देखेंगे आज। अब आ जाइए प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो हम क्या कैसी प्रिपेयर करेंगे बेंजोइक एसिड को देखते हैं। अब हमें सबसे पहले लिखो फ्रॉम टॉलुइन, फ्रॉम टॉलुइन, ठीक है। अब देखना टॉलुइन है, बेंजीन में एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, क्या बनता है टॉलुइन, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉलुइन, ठीक। इस टॉलुइन का करवा दो क्या ऑक्सीडेशन, क्या करवा दिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रेजेंस में, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, थ्री एटम बेटा मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, यह होता है, यह क्या होता है ओनली ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया और हमें तो पहले से ही पता है कि यार ये एल्कोहल के और एल्केन्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवा दी किससे, इस वाले ऑक्सीडेशन से, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एजेंट से, क्या है ये KMnO4 है, ठीक, क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक। सिंपल है, टॉलुइन लिया, टॉलुइन के लिए का अपन ने ऑक्सीडेशन करवा दिया तो बन गया क्या बेंजोइक एसिड। दूसरी रिएक्शन देखो, आप जब भी आरजीपीवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूं, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, मिला जुला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेगा आरजीपीवी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिस्कस या राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, एंड इट्स रिएक्शन, मतलब आपको क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन भी, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन भी बतानी है और इसकी सिंथेसिस या प्रिपरेशन कैसे होती है वह भी बतानी है, ठीक है, एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आना है, ठीक। अगर आप जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन कैसा आएगा, इस तरह से कि आपको टॉलुइन दे दिया, ठीक, उसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एरो लगा देंगे और बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा एरो पर कि यह एरो क्या है और यहाँ पे क्या बना दिया बेंजोइक एसिड, एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा इसमें, या तो यहाँ पे लिख दिया टॉलुइन, यहाँ लिख दिया टॉलुइन और यहाँ लिख दिया क्या KMnO4 और पूछ लिया कि ये रिजल्टिव प्रोडक्ट क्या आएगा, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी आ सकता है कि एक्स की रिएक्शन हमने किस
इस कंपाउंड से करवाई ऑक्सीडेशन करवाया KMnO4 की प्रेजेंस में तो बेंजोइक एसिड बनता है, तो यह एक्स क्या है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ गया। अब आप आरजीपीवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड में अपन चार तरह की प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि इस तरह से हम बेंजोइक एसिड को बना लेते हैं। तो पहली तो यह हो गई, ठीक। अभी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है वही बताएंगे। किसी भी प्रकार का सब्सटिट्यूएंट अगर लगा दे तो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी कम होती है या ज़्यादा होती है वह भी बताएंगे, ठीक है। अभी देखो दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन देखना, फ्रॉम एथाइल बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन हमने किससे करवा दी, एथाइल बेंजीन से, ठीक है। C2H5 या इसको हम और अच्छे से लिखे तो क्या बने, कैसे लिख सकते हैं, यह CH2CH3 ये लिख सकते हैं। इसका भी अभी अभी तो एल्केन ही है, यहाँ पे बेंजीन है और एल्केन है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका भी अगर ऑक्सीडेशन करवा दिया किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड तो बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 2H2O भी बनता है, दो वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं, एक CO2 भी बनती है। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हुए आना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करते हुए आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या था, यहाँ पे दो कार्बन है, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो समझना। यहाँ पे दो कार्बन दिख रहे हैं, CH2 C2H5 है, ठीक। यहाँ पे क्या है, 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, बेंजोइक एसिड और ये 2H2 और CO बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, देखो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन यहाँ से निकला तो एक कार्बन क्या हो गया, ये आला, ये कार्बन आ गया, ठीक। दो ऑक्सीजन यहाँ के निकल गए तो ये दो ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये 2H2 है तो दो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, ठीक। CO2 है तो दो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, तो ये 6 ऑक्सीजन का जो रोल था यहाँ पे निकल गया, ठीक है। 6 ऑक्सीजन कंप्लीट होगी। ये एक कार्बन है तो यहाँ पर भी एक कार्बन आ गया, ठीक। अब ये एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन बच गया, 1, 2, 3 H ये बचा, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 H ये हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी नॉलेज के लिए बताया बेटा, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। आप क्या है, मेन प्रोडक्ट लिख देते हो बस, ये बेंजोइक एसिड लिख दिया, हो गया। सीबी बेंजोइक एसिड लिखने से काम थोड़ी ना चलेगा, ये पूरा प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा आपको, जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वह भी लिखना पड़ेगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे क्या खिचड़ी पक गई है, तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं नीचे पेज पे, ठीक है। सिंपल है, क्या करते हैं, एथाइल बेंजीन की रिएक्शन करवाई किससे, KMnO4 से करवाई, 6 नेसेंट ऑक्सीजन एटम से करवाई, ठीक है। क्या बनेगा, सिंपल बेंजोइक एसिड, ठीक है, आपका 2H2O और CO2, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया करो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ पे जब आप RGPV की कॉपी में ऐसा लिखोगे ना तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एथाइल बेंजीन, अच्छे दूसरे पेन से एथाइल बेंजीन, ठीक। ये तो ऑक्सीजन ही है, यहाँ लिख दिया बेंजोइक एसिड, यहाँ लिख दिया वाटर, ठीक है, यहाँ लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉपी में थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या जो इवेल्युएटर होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो थोड़ा सा खुश मिजाज मन से कॉपी चेक करता है और वो अच्छे नंबर देगा, ठीक है। और आपको सीख भी मिल गई, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो कैसे आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तीसरा देखना, तीसरी फ्रॉम बेंजामाइड है, यहां पर भी कार्बोक्सामाइड पर, ठीक है, बेंजीन में कार्बोक्सामाइड जुड़ा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड बोला जाता है। अब यहां ध्यान देना,
जब बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ये बेंजामाइट की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस करवा दो। हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो यहाँ पे देखना, हमने एक बार वर्ड यूज करा था, ये जो साइनाइड्स होते हैं, साइनाइड्स के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सामाइड बनते हैं। पार्शल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेंगे, कार्बोक्सामाइड, और साइनाइड्स के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, मतलब यहाँ पे लिख लिया करो, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, ये आपके ठीक है, ऑन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एंड पार्शल हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स गिव, पार्शल हाइड्रोलिसिस साइनाइड्स गिव अमाइड्स। ठीक है, क्या बनते हैं, साइनाइड्स का पूरा हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और पार्शल हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो अमाइड्स बनते हैं। तो यहाँ पे अमाइड है, बेंजामाइड्स है, इसका भी सिंपल हाइड्रोलिसिस करवा दो तो क्या बन जाएगा, बेंजीन जैसा का वैसा रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये अमाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन गया आपका, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो आप कॉपी में इसी तरह से लिखना कि वेन बेंजामाइड हाइड्रोलिसिस इज परफॉर्म देन कार्बोक्स देन बेंजोइक एसिड इज फॉर्म। ठीक है, चौथी रिएक्शन आती है ठीक, अब आते हैं किस पे चौथी नहीं, अब इस पे आते हैं किस पे, एसिडिक स्ट्रेंथ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करते हैं, देखना बेंजोइक एसिड है क्या, बेंजोइक एसिड क्या है, एसिड है, अपन नाम से समझ में आ रहा है, अपन प्रोनाउंसिएशन ही क्या कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक, तो यह एसिड क्यों है भाई, एसिड क्यों है भाई, अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोटॉन को डोनेट करता हो, जो प्रोटॉन को डोनेट करता हो वह क्या कहलाता है, एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो वह क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, तो यहां हेडिंग डालना, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हमने बेंजोइक एसिड पर कुछ और लगा दिया, जैसे कि हमने अभी डेरिवेटिव पढ़े थे, सैलिसिलिक एसिड बना था, नाइट्रो बना था, NO2 बना था, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब ध्यान से सुनना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमने बेंजोइक एसिड पे लगाया है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने बेंजोइक एसिड पे लगाया है तो क्या बनते हैं, क्या होता है, या तो NO2 नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक, और उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ती है ध्यान दीजिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन withdrawing group is attached to benzoic acid, to benzoic acid, तो क्या होता है, इसकी acidity बढ़ती है या कम होती है, हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, benzoic acid है, अब हमने इस पे क्या अटैक करवा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले तो जैसे क्लोरीन हो गया आपका, NO2 हो गया, ठीक है, इस तरह के ग्रुप, जैसे सभी को पता है कि क्लोरीन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं लोन पेयर इसमें भी कमी होती है, इसकी वजह से यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या बोला, इसको खींचना मतलब विड्रॉइंग करना, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो
तो सपोज यहाँ पे क्लोरीन है या NO2 आके लगा बेंजीन बेंजोइक एसिड पे, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ देखना। अब या तो पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा या नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा या मेटा बन या मेटा पे बनेगा, ठीक। तो जैसे मेटा पे आया ये NO2 ग्रुप, जैसे मेटा पोजिशन पे आया, ठीक, तो ये NO2 क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इसको दूसरे पेज पे बनाते बेटा। यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये CO, ये CO, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ढेर सारी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एच ऐसा बंधा का जैसा का वैसा है। जैसे यहाँ पे कोई NO2 आया तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ नाइट्रोजन NO2 की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, NO2 की तरफ आके जुड़ जाएंगे। अब जैसे ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अगर मैं कोई रस्सी को खींचूं किसी बड़े से पत्थर को बांध के, ठीक है, तो दूर से खींचूंगा ज़्यादा ताकत लगेगी, पास से खींचूंगा तो जल्दी खींचा जाएगा। तो अगर यहाँ मेटा पोजिशन पे या आर्थो पोजिशन पे है तो एज कम्पेयर टू पेरा पोजिशन इसकी ताकत कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये जल्दी अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये जो OH बॉन्ड है, ये जो OH बॉन्ड है ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये एच आयन ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, और जितने जल्दी यह प्रोटॉन रिलीज होगा इसका मतलब क्या होगा, इसकी एसिडिटी बढ़ रही होगी, या प्रोटॉन को रिलीज करने में टाइम नहीं लगा रहा है, मतलब इसकी एसिडिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से ऑक्सीजन से कार्बन से इस वाले ऑक्सीजन से यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, किसकी तरफ लाएगा, इस वाले NO2 की तरफ लाएगा। जब NO2 की तरफ आएगा तो क्या होगा, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि यह प्रोटॉन को जल्द से जल्द रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो बात आई समझ में, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजोइक एसिड पे अटैच होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना कि ये NO2 और Cl सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है। उसी तरह अपन क्या देखते हैं दूसरी, कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच टू बेंजोइक एसिड देन इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीज देन इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीज कैसे डिक्रीज होती है बताते हैं, ठीक है। अब ये बेंजोइक एसिड है, सपोज जैसे आपका NH2 हो गया, CH3 है, ठीक, ये सारे ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब यहाँ इसका इस वाले कार्बन पे, सपोज यहाँ बेंजीन है, बेंजीन पे यहाँ पे आके मैं अब एक कोई पोजीशन को रिप्रेजेंट करें, तो सारी पोजीशन को क्यों रिप्रेजेंट करें, तो मेटा वाले पोजीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे सपोज CH3 आके जुड़ गया तो यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यह भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि इसके पास में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यह क्या करेगा, यहाँ इस वाले कार्बन को डोनेट कर देगा, ये इसके पास में भी ऑलरेडी है तो ये इसको पास कर देगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको पास कर देगा, ठीक। तो कुल मिला के जो एसिड, ये ऐसा समझना जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप 5 मिनट में एच आयन को डोनेट कर रहा होगा वो 1 घंटे लगाएगा, जो एच आयन मतलब तुरंत, यहाँ पे अपन ने देखा कि NO2 ग्रुप आया था तो उसने तुरंत एच आयन को मतलब प्रोटॉन को डोनेट कर दिया था। अब यहाँ पर क्या है, ये OH बॉन्ड तो यहाँ पर भी टूटेगा, ठीक है, ये जो OH बॉन्ड है ये यहाँ पर भी ब्रेकडाउन होगा, लेकिन वो बहुत देर से होगा, अगर बहुत देर से भी होगा, और हो सकता है कि अगर 100 मॉलिक्यूल हो तो 3-4 मॉलिक्यूल में ही इस तरह से रिएक्शन दिखे कि OH आयन टूट रहा हो, OH बॉन्ड टूट रहा हो। यहाँ देखना एच आयन तो प्रोड्यूस कर दिया इसने भी, लेकिन बहुत देर में, तो इसकी क्या हुई, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, क्यों, क्योंकि बेंजोइक एसिड तो है, एसिड तो वही कहलाता है ना जो एच आयन को डोनेट कर रहा हो, ये एच आयन को डोनेट कर ही नहीं पा रहा है, और कर भी पा रहा है तो या तो बहुत देर में या बहुत कम मात्रा में,
ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे अटैच होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन कैसा आता है यह समझना, ठीक। क्वेश्चन ऐसा आता है कि एसिडिटी ऑर्डर में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एसिडिटी के ऑर्डर में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको चार ऑप्शन दे दिए, सपोज एक दे दिया बेंजोइक एसिड सिंपल, एक दे दिया पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है, एक दे दिया आपको ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है, और एक दे दिया ऑर्थो मेथाइल बेंजोइक एसिड दे दिया, या कोई सभी कोई जिस पे मेथाइल अटैच हो, ठीक है। तो मेथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब ये सबसे वीक होगा, ठीक। अब यहां पर भी NO2 लगा हुआ, यहां पर भी NO2 लगा हुआ, तो अगर पेरा पोजीशन पे, क्योंकि ये जो कार्बोक्सी ग्रुप है ये क्या होता है, पेरा डायरेक्टिंग भी होता है और मेटा डायरेक्टिंग भी होता है। अब जब मैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एरिन्स पढ़ाऊंगा या बेंजीन पढ़ाऊंगा तब यहाँ पे समझ में आएगा आपका कि क्यों पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं, क्यों मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। यहाँ पे देखना ये क्या होता है, यहाँ पर आर्थो भी मेटा भी होता है और यह पैरा डायरेक्टिंग भी होता है। तो ये जो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है यह सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होता है, ठीक। फिर उसके बाद आएगा आर्थो नाइट्रो, क्योंकि NO2 लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ तो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, देन आर्थो नाइट्रो। फिर उसके बाद में क्या आएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, या आर्थो मेथाइल बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, वो तो वैसे भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो यह होगा सही ऑर्डर, पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, कुछ सिंपल बेंजोइक एसिड एंड या आर्थो मेथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ में, ठीक। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, रिएक्शन तो सबसे पहले आ जाओ नाइट्रेशन पे, ठीक, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ये सारे रिएक्शन इसमें एज इट इज ही है कि नाइट्रेशन होगा, अगर नाइट्रेशन है तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, HNO3 और H2SO4 की, अगर सल्फोनेशन है तो आपको H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको ब्रोमिनेशन है तो Br2 ब्रोमीन वाटर और FeBr3 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यह ध्यान देना इस चीज में, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो सबसे पहले देखते हैं अपन नाइट्रेशन इन बेंजोइक एसिड, नाइट्रेशन इन बेंजोइक एसिड, ठीक। क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवा दी किससे, HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, यहां एरो पे क्या है, नाइट्रिक एसिड, और क्या है, नाइट्रिक, नाइट्रेशन में क्या जरूरत पड़ती है हमें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये तीन से चार ड्रॉप डालते ही हैं किसी भी प्रकार का नाइट्रेशन में एज अ कैटलिस्ट यूज करते ही है, ठीक। जीरो से फाइव डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखते हैं, क्या बन जाएगा, आर्थो नाइट्रो भी बनेगा, पेरा नाइट्रो भी बनेगा, ठीक है, एंड मेटा नाइट्रो भी बनेगा, तीनों बनते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बनता है पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एंड आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या बनता है आपका, पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक। बाकी ये दोनों बनते, एक बनता है 20%, एक बनता है 30%, इस तरह से 20 एग्जैक्ट नहीं है, या तो 19-20 हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या याद रखना है आपको, कि पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ज्यादा बनता है, बनते तीनों ही हैं, ठीक। अब सल्फोनेशन देखते हैं, सल्फोनेशन
सल्फोनेशन के लिए क्या करते हैं हमेशा, H2SO4 लेते हैं, क्या लेते हैं H2SO4 और SO3, ठीक है। तो यहां पे देखना पेरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसा का वैसा रहेगा, यहां पे क्या आके जुड़ जाएगा SO3OH, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं SO2OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पेरा बेंजोइक, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो पेरा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि एज कंपेयर टू कार्बन ये सल्फोनिक ग्रुप बड़ा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक। तो यह बनता है, तो ये याद रखना कि H2SO4 और SO3 की रिएक्शन करवाई तो क्या बनता है, पैरा कार्बोक्सी बेंजोइन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगला आएगा आपका, ठीक है, अगला क्या आएगा, नाइट्रेशन हो गया आपका, ठीक है। अब आएगा हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में देखना अगर हम बात करते हैं ब्रोमीन वाटर की, ठीक, तो ब्रोमीन वाटर के साथ हमेशा रिएक्शन में क्या यूज करते हैं, FeBr3, क्या यूज करते हैं FeBr3 लेते ही लेते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ब्रोमीन के साथ में क्या लेंगे, FeBr3 लेते ही। तो यहां लिखिए बेंजोइक एसिड और उसकी रिएक्शन हमने करवाई किससे, ब्रोमीन वाटर एंड FeBr3 से, तो क्या बन जाएगा 2, भाई अपन 3Br ले रहे हैं ना, मतलब तीन ब्रोमीन आकर जुड़ेंगे, तो यहाँ पे आर्थो 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ नंबरिंग अगर अपन देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि अगर ब्रोमीन वाटर, सिंपल ब्रोमीन वाटर नहीं लिखना है, हमेशा क्या लिखेंगे FeBr3 को साथ में लिखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन देखें तो ये जो एरो पे बना हुआ ना उसी पे क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्शन में यह भी रहेगा, सिंपल एक Br भी रहेगा, एक ब्रोमीन भी रहेगा, ठीक है। ब्रोमीन बोले तो या Br2, ब्रोमाइड बोले तो या Br ओनली, ठीक है। और उसके साथ में चौथा ऑप्शन रहेगा ब्रोमीन वाटर एंड FeBr3, तो यह टिक करना है आपने, क्वेश्चन कैसा आएगा ऐसा, ठीक है। ये रिएक्शन दे देंगे कि ब्रोमिनेशन में हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम इससे करवाते हैं तो यह प्रोडक्ट बनता है, तो ये एक्स क्या है, तो एक्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबको सर की बात याद आएगी कि सर ने बताया था कि ब्रोमीन FeBr3 के साथ में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ FeBr ऑप्शन में दोनों रहेंगे, एक तो Br2 भी रहेगा और Br2/FeBr3 भी रहेगा, ठीक है, FeBr3 भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है यह वाला ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, क्या करते हैं, कार्बोक्सा बेंजामाइड बनेगा, बेंजामाइड कैसे बनता है, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, अमोनिया से, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किससे, अमोनिया से। देखिए बीच में क्या है, एज अ इंटरमीडिएट भी बनेगा, ठीक है। पहले रिएक्शन देख लेते, रिएक्शन विद अमोनिया, इसकी रिएक्शन विथ अमोनिया, विथ अमोनिया, ठीक। तो रिएक्शन विथ अमोनिया में क्या करेंगे हम, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सिंपली करवा दी किससे, अमोनिया से। तो जो इंटरमीडिएट बनता है वह अमोनियम बेंजोएट बनता है, क्या बनता है, अमोनियम बेंजोएट, NH3 से करवा दी, ठीक। अब ध्यान देना इस चीज पे कि यहां पे देखना यह बेंजीन है और ये जो NH3 है, ठीक, ये इस तरह से आगे बन जाता है NH3 डॉट
कार्बोक्सामाइड ये एसिड इस तरह से बनता है या एस्टर फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन पे क्या आ गया, देखो ये तो NH3 था, ये वाला NH3 है, ये एक H और है इसके पास में, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे कितना क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमोनियम, ठीक है। और ये क्या है, साल्ट है, ये कार्बोक्सिलेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट, ठीक। फिर इसमें से क्या होता है, इसको हीट कर देते हैं, ठीक, इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, हीट कर दिया, तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H2O बाहर जाएगा, ठीक, एक H2 यहाँ से बाहर जाएगा और एक CO यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के H2O बाहर जाएगा तो क्या बनता है, बेंजामाइड, कार्बोक्सामाइड बना, ठीक है, क्या बना, कार्बोक्सामाइड, वो जुड़ा किससे है, बेंजीन से, तो क्या बनेगा, बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड, ठीक। तो ये क्या हो गई, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड भी होगी। क्या क्या हो गया अपना रिएक्शन में, सबसे पहले करवाया था हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फिर हेलोजिनेशन में अपने ब्रोमिनेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, फिर रिएक्शन विद अमोनिया देखा, ठीक है। तो अमोनिया से क्या बनता है, सीधे कार्बोक्सामाइड सीधे नहीं बनता, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट H2O यहाँ से निकला, H2 यहाँ से H, यहाँ से H, तो बन गया क्या, H2O बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका, इंटरमीडिएट बनेगा अमोनियम बेंजोएट, ठीक है, अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। अब आ जाओ क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहां पे अपन 3-4 प्रकार के टेस्ट देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आ जाओ, हेडिंग डालिए, देखना इसमें अपन क्या क्या करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट में अपन एक ही सिर्फ बेंजीन नहीं रखते, अपन सैलिसिलिक एसिड भी रखते हैं। जैसे सैलिसिलिक एसिड किसी के साथ में फ्लोरेसेंट दे रहा होगा, किसी के साथ में ब्लू कलर दे रहा होगा, और यह बेंजोइक एसिड नहीं दे रहा होगा। बेंजोइक एसिड क्या दे रहा है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कलर कंपाउंड देगा, कलर प्रोडक्ट देगा, वो तो सैलिसिलिक एसिड का है, तो जो अपना प्रेसिपिटेट आया है वो किसका होगा, बेंजोइक एसिड का होगा। तो अभी बताते हैं, सारी प्रोसेस अभी समझ में आ जाएगी कि होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब होता क्या है, हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाई किससे, बेंजोइक एसिड से करवा दी, NaHCO3, यह क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, यह होता है सोडियम कार्बोनेट, यह अलग है, सोडियम बाइकार्बोनेट यह अलग है। तो हमने किससे करवा दी, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवा दी किससे, बेंजोइक एसिड से। अब सिंपल है, होता क्या है, बनता तो सोडियम बेंजोएट ही है, बनता क्या है, सोडियम बेंजोएट ही बनेगा, लेकिन जो अपन इनो पीते हैं अपन, ठीक है, तो इनो पीने गिलास में वो एफरवेसेंट्स आते हैं, ठीक है, झाग बनता है ना, तो उसी प्रकार की रिएक्शन होती है, ठीक। यहां पे लिखना एफरवेसेंट्स, एफरवेसेंस इज डेवलप, इज डेवलप, मतलब यह कहीं ना कहीं बेंजोइक एसिड हो सकता है। हम किसी भी प्रकार का टेस्ट लगा ले, किसी भी कंपाउंड का टेस्ट लगा ले, हम एक टेस्ट के आधार पर यह डिसाइड नहीं कर सकते कि वही कंपाउंड होगा। इसलिए अपन क्या है, सिंपल सिंपल एक एक चीज, जैसे बेंजोइक एसिड है तो इसके बहुत सारे पैरामीटर है इसके क्वालिटेटिव टेस्ट के, ठीक है। तो अपन यहाँ पे भी सिर्फ संभावना लगाते हैं कि यह बेंजोइक एसिड हो सकता है, क्यों, क्योंकि यह एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ में। तो एफरवेसेंस इज डेवलप एंड बनता क्या है, कंपाउंड कौन सा बनेगा, सोडियम बेंजोएट का, ठीक है।
तो यह एक प्रकार का टेस्ट होगा कि भाई ये क्या है, कहीं ना कहीं बेंजोइक एसिड हो सकता है। वैलेंसी आप कंप्लीट कर लो H2O, ठीक है, और CO2, CO2 तो लिबरेट हो रही है, ठीक है। वो इनो में क्या, जब आप इनो पी लेते हो तो उसमें भी देखना, उसमें लिखा हुआ रहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें भी होगा, ठीक है, तो CO2 लिबरेट होती है उसमें भी। तो यह एक क्वालिटी टेस्ट हो गया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरे टेस्ट पे आ जाओ, क्या अपन रिएक्शन करते हैं किससे, रिएक्शन विथ सोडा लाइम, ठीक है। अब रिएक्शन सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करेंगे तो देखना क्या बनता है। अपन ये चीज कहां पढ़ी है पता है, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी होगी तो यहाँ पे देखना, प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे बताया हमने, जब हम बेंजीन की प्रिपरेशन करवा रहे थे तो हम क्या दे रहे थे, इसमें बेंजीन की प्रिपरेशन में किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे, सोडियम लाइम, इसको बोलते कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एक तो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं हो जाता कि ये सोडा लाइम कैसे, इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक। क्या बनेगा, बेंजीन बनता है, ठीक है, बेंजीन बनता है, ठीक, और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। ये क्या होता है, बाय प्रोडक्ट बनता है। तो यह भी एक प्रकार का क्वालिटेटिव टेस्ट है कि हमने बेंजिक एसिड की रिएक्शन करवाई किससे, सोडा लाइम से करवाई, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, बेंजीन, ठीक। अगले टेस्ट पे आते हैं, रिएक्शन विथ FeCl3, रिएक्शन विथ FeCl3। अब इसमें हम क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड, हेडिंग डाल लो पहले, रिएक्शन विथ FeCl3, FeCl3, ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें क्या, देखो ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड हो चाहे सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है, तो हम दोनों चीज उठाते हैं, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड में बगल में OH लगा दो तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक, और बेंजोइक एसिड तो सिंपल है, यह बेंजोइक एसिड, ठीक। अब यहां देखना, ध्यान देना कि हमने दोनों को रिएक्शन करवाई किससे, FeCl3 से, दोनों की रिएक्शन करवाई किससे, जैसा हम बना रहे हैं ना वैसा ही लिखना है ना, ये फ्लो चार्ट जैसा बना रहे हैं, FeCl3 से करवाई रिएक्शन, ठीक, हीट प्रोवाइड करी, दोनों को क्या दिया, हीट, ठीक। अब यहां पे देखना, जो सैलिसिलिक एसिड होता है वह क्या करता है, ब्लू कलर दे देता है, जैसे अपन ने टेस्ट ट्यूब में लिया, बेंजोइक एसिड डाला और अपन ने उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल के हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, दोनों में। तो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ब्लू कलर नहीं बनता बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म, व्हाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट है। यहां पे क्या है, ब्लू प्रेसिपिटेट ना बन के क्या बनता है, या ब्लू कलर कंपाउंड बन के ना क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब रहेगी वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेंगे। जैसे ही आपने दो टेस्ट ट्यूब लिया आपने, एक में डाला क्या, एक में डाला आपने सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एक में डाला आपने बेंजोइक एसिड, ठीक है, एक में डाला बेंजोइक एसिड, दोनों में क्या दिया, FeCl3, इसमें भी डाला FeCl3, इसमें भी डाला FeCl3, ठीक है, फिर दो या तीन ड्रॉप किसके डाले, H2SO4 के, दो या तीन ड्रॉप इसमें भी डाले H2SO4 के, ठीक है, फिर करवाई क्या, उसमें हीट प्रोवाइड करवाई, तो ये तुरंत ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और यह प्रेसिपिटेट बना लेता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव का भी क्वालिटेटिव टेस्ट बता दिया हमने, ठीक, एक काम दो काज हो गए, ठीक। अब आते हैं रिएक्शन विद फ्लोरेसेंट टेस्ट, क्या करते हैं फ्लोरेसेंट टेस्ट,
ठीक है। अब हम फ्लोरेसेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब फ्लोरेसेंट डाई का यूज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, फ्लोरेसेंट टेस्ट में। ठीक, अब यहां देखना, ध्यान देना, 2 ग्राम ऑफ, देखो अपन दोनों तरफ वही वही चीज करेंगे, सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों को लेते हैं, ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो हम क्या कर देखेंगे, 2 ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब भाई अपना कंपाउंड, चाहे वो सैलिसिलिक एसिड हो चाहे बेंजोइक एसिड हो, 2 ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, ये ऐसे का मतलब समझ जाना, सैलिसिलिक एसिड की बात हो रही है और ये बेंजोइक एसिड की, लिख ही देते बेटा, सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब 2 ग्राम ऑफ सब्सट्रेट को हमने किसके लिए, 2 ग्राम ऑफ रिसॉर्सिनॉल, 2.2 ग्राम ऑफ रिसॉर्सिनॉल ऐड कर लिया इसमें, रिसॉर्सिनॉल, ठीक है। अब जैसे ये दोनों कंपाउंड हमने ऐड करे, ठीक, अब यहां पे क्या होगा, इसमें करवाते हैं क्या, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, प्लस इसमें देते हैं थोड़ा सा वाटर, ठीक है, दोनों को हीट करवाया, रिसॉर्सिनॉल मिलाया, सब्सट्रेट मतलब आपका सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, अलग 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 टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में यूज करेंगे ना, एक ही मत मिला लेना, नहीं तो पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, नया साइंटिस्ट बन जाओ तुम लोग, ठीक। तो अलग अलग जैसे अपन ने हीट करा, उसके बाद में 2 या 3 ड्रॉप एज अ कैटलिस्ट हमने क्या किया, H2SO4 डाला, H2SO4 ऐड किया, ठीक। तो हम क्या देखते हैं, ये हीट होने लगता है और हीट होते होते किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर जैसे ये कन्वर्ट होता है। अब जैसे ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ, इसमें हम क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है, जो सैलिसिलिक होता है, ध्यान देना, सैलिसिलिक जो होता है वह रेड कलर पे, रेड कलर का कंपाउंड बन जाता है और ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है, कंपाउंड रेड है और उसमें ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है, ठीक है, ग्रीन फ्लोरेसेंस देगा, ठीक। और ये जो अपना बेंजोइक एसिड है ना, या कोई कलर नहीं देता, नो कलर इज फॉर्म्ड, नो कलर इज फॉर्म्ड लिख देते हैं, ठीक है, या सिंपल एज इट इज ही रहता है, ठीक है, बेंजीन में कोई कलर नहीं होता, इसमें बेंजोइक एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यह भी प्रेसिपिटेट जैसा, प्रेसिपिटेट नहीं कहेंगे इसको, इसको अपन कहेंगे थोड़ा सा डार्क, डेंस हो जाता है, डेंस बन जाता है, ठीक है, थोड़ा इसका अंतर होता है, ये टर्बिडिटी और ओपलेसेंस में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, लेकिन लगभग लगभग उस तरह से डेंस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे कि डेंस प्रोडक्ट फॉर्म, और ये जो सैलिसिलिक एसिड है वह रेड कलर के साथ में ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है, तो यह हो गया इसका क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, ठीक। तो यहाँ देखिए अच्छे से, एरोमेटिक एसिड में अपने को क्या, अपन ने क्या देगा, शुरुआत से बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन देखी, कैसे बनता है बेंजोइक एसिड, टालोइन की अपन ने 11th-12th में पढ़ा है कि एल्केन्स की का ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, पता ही है सभी को, ठीक है। तो ये इसकी प्रिपरेशन, क्वेश्चन किस प्रकार का आना है वह भी बताया था, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक, क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट बेटा, आरजीपीवी में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा बेटा, ठीक है, क्वेश्चन हमने लिखा है कहीं पे, देख लीजिएगा आपने, है ना, वो अभी हमें मिल ही नहीं रहा, ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो क्वेश्चन पे ध्यान है ना कि किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक, ओके।